दो शिवलिंग उन्होंने ले लिए। ये 12 बंकी है कि मैं भगवान शिव पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। नीलेन पटेल जी, आरसी पटेल जी, हरिहर भैया, दिनेश श्रीवास्तव जी, अब हाली भैया पैसा खर्चा करो, चंदा इकट्ठा करो, तुरंत मंदिर का निर्माण कर दो। का बात है, 12 बंकी जिले के नागेश्वरनाथ मंदिर का देखा था, रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी इतिहास बता रहे थे और बता रहे थे कि देखो भैया जिस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए हम लोग उस शिवलिंग की पूजा नहीं कर रहे हैं। वो तो भैया देखा तो ऊपर रखा पड़ा है, ऊपर बखदा विशेष ध्यान देना चाहिए, यही बखदा असली शिवलिंग है। अब रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी देखा तो भैया बहुत बड़ा खुलासा कर रहे थे और 12 बंकी जिले के नागेश्वरनाथ मंदिर का इतिहास बता रहे थे, तनिक कायदे से सुनिएगा। और जो पटेल जी रहे भैया बगल में बैठे हुए, इन सब का कहना कि देखो ने चंदा मिलाएंगे और बढ़िया नागेश्वरनाथ मंदिर को भव्य बनाने का प्रयास करेंगे। तनिक सुनो का कहत रहा, कायदे सुनिएगा, बहुत बढ़िया जानकारी दिया रहा है। नागेश्वरनाथ ये हमारे 10वें ज्योतिर्लिंग में आता है। कैसे? ये शिव महापुराण में इसकी एक कथा है। सबसे पहले हम उस कथा को सुना दें, फिर महात्मा को बताएंगे। एक वैश्य था, वैश्य वहाँ भगवान शिव की उपासना करता था। भगवान शिव उसके सामने साक्षात प्रकट हुए। दारुक नाम का एक राक्षस उस समय राक्षसों का राजा था। उसके अनुचरों ने उसे बताया जा करके कि एक वैश्य तप के द्वारा शिव के दर्शन कर रहा है। दैत्यराज आग बबूला होते हैं और अपने राक्षसों को कहते हैं कि इनका वध कर दो जाकर के। वो असुर उस वैश्य का वध करने के लिए जाते हैं। वैश्य भगवान शिव की आराधना में फिर तल्लीन होता है और कहता है कि हे प्रभु, क्या ये आपकी सेवा का फल हमको यही मिलेगा? हमें राक्षस मारेंगे। भगवान शिव प्रकट होते हैं और उन दैत्यों का विध्वंस कर देते हैं, मार देते हैं। राक्षस भी मारा जाता है। दारुकी नाम की उसकी पत्नी पार्वती जी की उपासक होती है, वो पार्वती जी की उपासना करती है और पार्वती जी की उपासना के बाद कहती है कि मेरा तो पूरा परिवार, खानदान, सब कुछ जो है वो सब भगवान शिव ने नष्ट कर दिया है। अब हमारा कल्याण और इनका कल्याण कैसे होगा, वो उपाय आप हमको बताइए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के माता पार्वती शिव से कहती हैं कि इनको उद्धार का कुछ उपाय बताइए। शिव भगवान शंकर जो बहुत दयालु हैं, वो कहते हैं कि हम इनके स्थान दारुकी नामक स्थान जो आज की तारीख में द्वारिका है, हम ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने को प्रकट कर रहे हैं। ये उनकी पूजा करें, उपासना करें और उपासना करने के बाद ये कल्याण को प्राप्त होगी, इनका वंश परंपरा चलेगी और ये म्लेच्छ भी सब इनका मन बदल जाएगा। ये ज्योतिर्लिंग नागेश्वरनाथ आने की एक कथा शिव महापुराण में वर्णित है। अब प्रश्न ये उठता है कि नागेश्वरनाथ हमको 12 बंकी में भी देखने को मिला है। नागेश्वरनाथ का प्राचीनतम मंदिर हमें अयोध्या में भी देखने को मिला है। आखिर नागेश्वरनाथ मंदिर तो अन्य भी हैं, लेकिन प्राचीनतम मंदिर में दो ही मंदिर हैं, एक अयोध्या में, एक हमारे 12 बंकी में। अब यहाँ पर इन मंदिरों का नागेश्वरनाथ होने का की कथा क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। निषिद्ध क्षेत्र के राजा महासेन, उनके पुत्र वीरसेन ने भगवान शिव की तपस्या की। 12 वर्ष तक घोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव से कहा कि भगवान शिव, इस कलयुग के अंदर हम लोगों का उद्धार कैसे होगा? कलयुग में हम लोग कैसे सतयुग में प्रवेश करेंगे? कलयुग में हम कैसे धनधान को पूर्ण होंगे? तो उन्होंने कहा कि हमें आप दर्शन दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं द्वारिका में हूँ। तो कहने लगे भगवान, हम वहाँ पर कैसे आएंगे, हम कैसे आएंगे? तो उन्होंने एक मत्स्य रूपी नौका उनको दी और कहा इसको लेकर के आप आइए और समुद्री रास्ते से जो प्रवर वगैरह हैं उनको नांगते हुए आप हमारे दर्शन कर सकते हैं। वीरसेन जाते हैं। वीरसेन जाने के बाद भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद महाराजा वीरसेन ये सोचते हैं कि हमने तो ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए, भगवान शिव ने हमें मत्स्य रूपी नौका दे दी, लेकिन अब
ये भारतवर्ष के अन्य लोग कैसे यहाँ पर आएंगे, कैसे शिव भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान शिव का कैसे दर्शन करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ से दो शिवलिंग उन्होंने ले लिए और कहा कि इनको हम चल करके यथास्थान इनको हम स्थापित कर देंगे और उनको वहाँ से प्राण प्रतिष्ठित भी किया। राजा वीरसेन लेकर के चलते हैं, रास्ते में अयोध्या पड़ती है जो भगवान राम की नगरी है, उस समय दशरथ की नगरी हुआ करती थी, रघुवंशियों की नगरी हुआ करती थी, एक शिवलिंग उन्होंने वहां पर स्थापित कर दिया। दूसरा शिवलिंग लेकर के चले। अब मैंने पहले ही कहा था कि निषिद्ध क्षेत्र है। अब निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है भारतवर्ष के अंदर, इसका मैं एक ही लाइन में आपको बता देता हूं। जब ऋषियों मुनियों की तपस्या में विघ्न उत्पन्न होने लगे तो वो भगवान विष्णु के पास जाकर के कहते हैं कि भगवान हमें कोई सुरक्षित स्थान दीजिए, हमारी तपस्या को ये राक्षस विध्वंस कर देते हैं, आप हमें कौन सा स्थान देना चाहते हैं। तो भगवान विष्णु ने चक्र को अपने आदेशित किया कि जाओ इस भारत भूमि के अंदर भ्रमण करके ये बताओ जाकर के कि इनको ऋषियों को कि कौन सा तुम्हारे लिए क्षेत्र सुरक्षित है। वो चक्र आकर के नैमिषारण्य में गिरता है, आकर के उसी को भगवान ने तपोस्थली घोषित कर दिया। भगवान विष्णु की बनाई हुई तपोस्थली ये निषिद्ध क्षेत्र इसलिए है कि जहाँ पर चक्र गिरा उसका तमाम क्षेत्र जो वन क्षेत्र था उसको उन्होंने सुरक्षित घोषित कर दिया कि यहाँ पर कोई राक्षस नहीं आएगा, ऋषियों मुनियों तुम यहाँ पर तपस्या करो, इसलिए नैमिषारण्य निषिद्ध क्षेत्र आ गया। यही के राजा वीरसेन थे। जब वो अयोध्या से चले तो बाराबंकी, लेकिन ये बाराबंकी आज की तारीख का है, ये बाराबंकी है, ये भगवान बाराह की प्रकट स्थली है, भगवान बाराह यहीं पर प्रकट हुए थे, इसलिए इसका नाम बाद में बिगड़ता हुआ बाराबंकी चला। मैंने पहले भी कहा था कि मैं इस नगर का नाम नवाबगंज से बदल करके बाराह नगर कर दूंगा, भगवान बाराह के नाम से करूंगा। ये बाराबंकी इसीलिए कहा गया तो उनके भी प्रकट का कारण है कि जब ये पृथ्वी जब ब्रह्मा जी ने बनाई तो ये काफी कंपित थी, तो भगवान से कहा गया कि इस पर तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ये तो कंपायमान है। तो भगवान विष्णु ने उस समय भगवान बाराह के रूप में अवतरित हुए और अवतरित होने के बाद प्रसंग भी है, शास्त्रों में भी वर्णित है कि उन्होंने अपनी सींग से इस पृथ्वी का कंपन रोका और ये पृथ्वी आगे चल करके इस पृथ्वी के रूप में आई है जिस पर हम आप सब प्राणी रहते हैं। तो ये पवित्र भूमि रास्ते में पड़ जाने के कारण यहाँ पर जो दूसरा शिवलिंग था वो ये नागेश्वरनाथ है, बाराबंकी का नागेश्वरनाथ है, यहाँ पर उन्होंने स्थापित किया आकर के, और स्थापित करने के बाद इसकी पूजा अर्चना की। कालांतर में मंदिरों का स्वरूप दोनों का बिगड़ा, जर्जर हुए, वहां पर विक्रमादित्य ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार कर लिया अयोध्या में। लौकुश ने प्रथम मंदिर बनाया, विक्रमादित्य ने जीर्णोद्धार कर लिया। यहाँ पर इस मंदिर को किसने बनाया, लेकिन ये चूंकि वैश्य की तप के कारण ज्योतिर्लिंग आया है, इसलिए ये नागेश्वरनाथ मंदिर वैश्यों का नागेश्वरनाथ मंदिर कहा जाता है, ये बनियों के नाम से घोषित है। और ये पता नहीं किसने बनवाया, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ इसका जीर्णोद्धार होना ही चाहिए क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग का प्रतिरूप है। मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इस बाराबंकी के अंदर जो कलयुग में हमें धन धान्य को देने वाला है, जो कलयुग से हमें सतयुग में प्रवेश कराने वाला है, जो कलयुग के अंदर प्रथम दर्शन करने वाले को चक्रवर्ती राजा बनाने वाला है, ऐसे भगवान शिव की आराधना हम नागेश्वरनाथ में न करके अन्यत्र करने जाते हैं। वहाँ पूजा होती तो है नागेश्वरनाथ में पूजा होती है, लेकिन जिस स्तर से पूजा होनी चाहिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैंने इनका जीर्णोद्धार कराया था, मंदिर का नहीं करा पाया। जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है वहाँ पर आप देखिएगा कि जो वहाँ पर शिवलिंग है, देखिए निर्मित और लाया हुआ, तो जो वहाँ पर प्राचीनतम मंदिर में भगवान जी का जो शिवलिंग ताके में रखा हुआ है, आपने देखा होगा, आप जाकर के देख लीजिए, वो शिवलिंग है,
वो शिवलिंग है उसे स्थापित होना चाहिए। बाकी मैं भगवान शिव पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, निर्मित है, गैर निर्मित है, क्या है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस जो ज्योतिर्लिंग का प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है इसको करके और इसके भव्य मंदिर का और यहाँ पर हमारे तमाम जितेंद्र पटेल जी, आरसी पटेल जी, हरिहर भैया, दिनेश श्रीवास्तव जी, इधर सुभाष श्रीवास्तव जी सब लोग बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, हम ये निवेदन करना चाहेंगे आपके माध्यम से करना चाहेंगे, जिस तरह से इन्होंने दायित्व लेकर के ये भगवान चित्रगुप्त के मंदिर का निर्माण किया है उसी तरह से हम राजा विक्रमादित्य तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ हमने वहाँ का बाकी तो भव्य स्वरूप कर लिया है, मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। मैं इन लोगों से निवेदन करूँगा, मैंने इनको बुलाया है कि ये लोग दायित्व ले और दायित्व लेकर के अपने भगवान के उस ज्योतिर्लिंग स्वरूपी नागेश्वरनाथ के ज्योतिर्लिंग स्वरूपी मंदिर का निर्माण करें और इसको भव्यतम रूप ले और विक्रमादित्य से अच्छे मंदिर का निर्माण ये लोग करके दिखाएंगे भविष्य में। अब धनोखा चक्रतीत के पीठाधीश्वर महाराज तो बहुत होशियार हैं, देखा तो भैया बढ़िया चंदा इकट्ठा कर एक बात करते रहे और बगल में पटेल जी बैठे रहे, सब मैंने खिलखिलावे लागत है, हम करना होता नहीं आपका बता दी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शाम मैं सहज मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।